हरियाणा के सिरसा बस अड्डा से रानिया बनी रूट पर जाने वाली हरियाणा रोडवेज की सवारियों से भरी बस को तीन युवक भगा ले गए। बस में इस दौरान करीबन दो दर्जन सवारियां मौजूद थी। बस को युवक गलत तरीके से चलाते हुए बाजार से तेज रफ्तार से निकालकर रानिया चुंगी तक ले गए। गनीमत रही कि बस में ड्यूटी खत्म होने के बाद घर लौट रहा एक परिचालक बस में मौजूद था। ड्राइवर से गलत तरीके से बस चलाने पर उसे संदेह हो गया और उसने बस अड्डे से 4 किलोमीटर दूर पहुंचने पर बस को रुकवाया। इस दौरान बस में सवार सवारियां भी डर के साए में रही। इसके बाद परिचालक ने बस अड्डा प्रशासन व पुलिस को सूचित किया। फिलहाल बस को भगा लेकर जाने वाले तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि तीनों युवक नशे की हालत में थे। सर, मैं रोडवेज सिरसा में बतौर कनेक्टर काम कर रहा हूँ, रणजीत सिंह। मैं अब ड्यूटी ऑफ करके घर जाना था जी। मेरे को, मैं यहाँ से बस पे चढ़ने लगा तो ये एक आदमी बस चला रहा था, इसने मुंह पे मास्क लगाया हुआ था, इसने रॉन्ग साइड गाड़ी भगा के बाहर निकाली। मैंने सोचा को स्टाफ का होगा जिसने मुंह बांधा हुआ है। ये गाड़ी जब ये उस रूट पर रानिया रूट पर जाने लगी तो मैंने इसको पुराने बस स्टैंड पर जाके इसको पूछा तेरा कनेक्टर कहाँ है। मैंने सोचा वो पुरानी प्राइवेट गाड़ी आगे निकलवाने के लिए गया होगा। इसने एक आगे एक सीट पर बैठा हुआ था, वो दिमाग से भी मेरे को ऐसे लग रहा है। इसने कहा जी, इस भाई ने कहा मेरे को गाड़ी ले जाने के लिए। मैंने उसको पूछा भी तू कौन है। कहा ये मेरा ड्राइवर है, मैं बस का मालिक हूँ। मैंने उसको कहा भी गाड़ी रोक दो। गाड़ी में तकरीबन 30 के करीब सवारियाँ भी थी जो डर रही थी क्योंकि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा रफ चला रहा था। मैंने इसको गाड़ी रोकने के लिए कहा, लेकिन ये करते करते गाड़ी को ITI चौक तक ले गया। वहाँ फिर मैंने इसके साथ थोड़ा ज़ोर ज़बरदस्ती करके गाड़ी को साइड में लगवा लिया। मैंने कहा भाई गाड़ी रोक दे, तू ड्राइवर कनेक्टर नहीं है। मैंने सवारियों को भी कहा, वो मेरे साथ कोऑपरेट करने लग पड़ी तो इनको हमने वहाँ रोके। मैंने विभाग को सूचित किया, यहाँ से हमारे SPO साहब और हमारे TI साहब और दो तीन जने और गए, गाड़ी ले गए। तब तक मैं इनको पकड़ के वहाँ बैठा हुआ था और वहाँ से 100 नंबर पे फ़ोन मारा, जो पुलिस कार्रवाई के बाद उनको यहाँ ले आया गया। इसमें ये सामने आया कि ये जो बस है ये बस स्टैंड पे खड़ी थी अपने काउंटर पे और चाबी शायद उसकी अंदर ही लगी हुई थी। तो ये तीन व्यक्ति हैं, सुखमिंदर जो बणी का रहने वाला है, प्रदीप कुमार और लाजपत यादव, ये दोनों कजिन्स भी हैं और ये निहालावास जिला महेंद्रगढ़, निहालावास गांव है जिला महेंद्रगढ़ में, वहाँ के रहने वाले हैं। तो ये तीनों बस में चढ़ गए और बस को स्टार्ट करके और आगे सवारियों के साथ ही आगे चले गए और आगे जाके सामने जो आया है कि किसी ने पहचान लिया कि भाई ये जो हैं ये रोडवेज के कर्मचारी नहीं हैं और प्राइवेट आदमी हैं। तो इनको जब पहचाना तो बस रुकवाई गई और उससे फिर आगे इनको पुलिस वहाँ पहुँच गई और पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया।